श्री गुरु चरणन ध्यान धर सुमिर सचिदानंद श्याम चालीसा भजत हूँ रच चौपाई छंद। श्याम श्याम भजी बारम बारा सहज ही हो भव सागर पारा इस समुदेव न दूजा कोई दीन दयालु न दाता होई। भीम सुपुत्र अहलवती जाया कहीं भीम का पुत्र कहाया यह सब कथा सही कल्पांतर कांति न मानो इसमें अंतर। श्याम भगत ना कहीं पे हारा भीड़ परी तब श्याम पुक
कारा। रसना श्याम नाम रस पीले, जोले श्याम नाम के हीले। संसारी सुख भोग मिलेगा, अंतर श्याम सुख योग मिलेगा। श्याम प्रभु है तन के काले, मन के गोरे भोले भाले। श्याम संत भक्तन हितकारी, नाश दोष अधनाश भारी। प्रेम सहित जो नाम पुकारा, महावीर लग श्याम को प्यारा। जादू में है मथुरा वासी, पार ब्रह्म पूरन अविनाशी। सुधा तान भरी मुरली बजाई, दिल्ली प्रांत जह सुनि पाई। बाल देते नारी नर, मुग्ध भय सुन बंशी के स्वर। बड़ बड़ कर पहुँचे सब जाई, खाटू में जह श्याम कन्हाई। जिसने श्याम स्वरूप निहारा, भव भय से पावा छुटकारा। जिसने श्याम स्वरूप निहारा, भव भय से पावा छुटकारा। श्याम सलोने सांवरे, बरबरीक तनुधार। इच्छा पूर्ण भक्त की करो न लाओ बार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो इनकी लाज। धन्य ढूंढारू देश है, खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बण्यो आपको धाम। फागुन शुक्ल मेला भरे, जय 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 श्री श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो। बाबा के दरबार से खाली न जाए कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। लज्जा सबकी राखियो, खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी लाइची इत्र सुगंध भरपूर। सब भक्तों की विनती, दर्शन देओ हजूर। आलो सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा, श्याम कृपा से मान। श्याम भक्त तो पाए सदा, श्याम कृपा से मां। जय श्री श्याम। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत। अनुपम रूप आवे, सब दुख से उबरे। बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, सेवक जन निज मुख से। श्री श्याम श्याम उचरे, ओम जय श्री श्याम हरे।
श्री श्याम बिहारी जी की आरती। जो कोई नर गावे बाबा, जो कोई नर गावे, कहत वालो सिंह स्वामी, कहत वालो सिंह स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे, ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, निज भक्तों के तुमने पूरण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। भक्त जनों, यूं तो श्याम बाबा युगों युगों से अनेकों रूप में अवतरित हो भक्तों का उद्धार करते आए हैं, इसी प्रकार बाबा श्याम राजस्थान के खाटू धाम में पूजे जाते हैं। आइए हम आपको खाटू के राजा शीश के दानी बाबा श्याम की कथा सुनाते हैं। हम शीश के दानी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे खाटू वाले श्याम, हम करें तुम्हें प्रणाम। भारत के समय की है ये खाटू श्याम कथा। लाक्षाग्रह की दुर्योधन ने जब की थी रचना, लाक्षाग्रह से बचकर पांडव वन वन भटक रहे। माता कुंती और द्रौपदी ने दुखड़े बहुत सहे। हिडिंबा नाम की राक्षसी उनकी राह में आई है, से शादी फिर तो उसने करनी चाहिए है। भीम ने माता कुंती से फिर तो आज्ञा है ली, हिडिंबा और भीम की फिर तो हो गई है शादी। वीर घटोत्कच दोनों की संतान कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, बाबा श्याम कहते हैं। हे खाटू के बाबा श्याम, हम करें तुम्हें प्रणाम। समय के वीर घटोत्कच जब है बड़े हुए, देते कन्या मोरवी के संग फिर है विवाह किए। मोरवी गर्भ से वीर पुत्र इक लेके जन्म आया, बब्बर शेर के जैसी उसकी बलशाली काया। बर्बरीक नाम अपने पुत्र को दोनों ने बड़ा घोर तप बर्बरीक ने देवी माँ का किया। तब करके है तीन बाण देवी माँ से पाए, ऐसे बाण जो लक्ष्य भेद कर वापस आ जाए। तीन बाण के धारी इसलिए श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
श्री खाटू के सरकार। बाबा श्याम कहते हैं, बाबा श्याम कहते हैं, हे खाटू के बाबा श्याम हम करे तुम्हें प्रणाम। देखने मैं भी जाऊंगा, नीला घोड़ा लेकर वो चल युद्ध भूमि की ओर। देखा के युद्ध भूमि में तो बड़ा मचा है शोर, बर्बर के मन में युद्ध देखने की हुई है इच्छा। किसकी ओर से लड़ना है मन में ये भी सोचा, हारेगा जो पक्ष बात फिर उनके मन में आई। उसकी तरफ से मैं तो करूँगा तीन बाण से लड़ाई। उत्तर पांडवों के कुछ फिर वहाँ चल आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं श्री खाटू के सरकार। बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हे खाटू के बाबा श्याम हम करे तुम्हें प्रणाम। गुप्तचरों ने जाकर ये श्री कृष्ण को बतलाया, अनजाना योद्धा नीले घोड़े चढ़ आया। किंतु उसके तुनिर में तो है सिर्फ तीन ही बाण, तीन बाण से क्या वो लड़ेगा हम ना पाए जान। कृष्ण ने सोचा जाकर उसको देखना चाहिए, लेकिन असली वेश में ना कभी शत्रु पास जाइए। निर्धन ब्राह्मण रूप तो फिर श्री कृष्ण बनाया है, बन के ब्राह्मण बर्बरीक के पास में आया है। बर्बरीक उस ब्राह्मण को तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं खाटू के सरकार। बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हे खाटू के बाबा श्याम हम करें तुम्हें प्रणाम। ब्राह्मण लगते हो तुम योद्धा बड़े महान, किंतु जानना चाहता हूँ मैं तीन लिए क्यों बाण। किसकी तरफ से हे योद्धा तुम लड़ने आए हो, अपने तुनिर में सिर्फ तीन ही बाण क्यों लाए हो। बोला बर्बरीक वैसे मैं युद्ध देखने आया, अपने दिव्य बाण तो संग इसलिए ही मैं लाया। लगा हारने जो भी पक्ष मैं उसका साथ निभाऊं, हारे का मैं बनूं सहारा दोष उसे मैं दिलाऊं। फिर अपने बाणों का वो तो भेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं श्री खाटू के सरकार। बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हे
से ही मैं तो हूँ युद्ध जीत सकता। बोला ब्राह्मण हे योद्धा मुझे ऐसे न बहकाओ, इतनी शक्ति इन बाणों में सिद्ध करके दिखलाओ। उस पीपल के पेड़ में देखो कितने पत्ते हैं, क्या ये बाण तुम्हारे भेद उनको भी सकते हैं। बोला बर्बरी कहे ब्राह्मण जैसी हो इच्छा, अपने तनूर से बर्बरीक ने एक बाण खींचा, करके धान माता का फिर वो बाण चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं श्री खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हे खाटू के बाबा श्याम हम करे तुम्हें परणाम। बर्बरीक ने जैसे ही है अपना बाण चलाया, पीपल के सब पत्ते बींद के ही वापस आया। पास पांव के आकर फिर वो बाण है वहीं रुका, बोले बर्बरीक लो ब्राह्मण अपना पांव हटा, तेरे पांव के नीचे इस पीपल का पत्ता है, हटा लिया जो पैर बांधे वो भी भेदा है। बोला ब्राह्मण हे योद्धा हो तुम तो बड़े महान, युद्ध में जाने से पहले कुछ मुझको दे दो दान, लेके दान वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, बाबा श्याम कहते हैं हे खाटू के बाबा श्याम हम करें तुम्हें प्रणाम। बोले के ब्राह्मण मांगो चाहिए क्या, ब्राह्मण ने तो दान में उसका शीश ही मांग लिया। सुनकर बोला बर्बरीक तुम नहीं ब्राह्मण हो, इच्छा है यह मेरी असली रूप में तुम आओ, कान शीश कर दूंगा लेकिन मैं ये चाहता हूँ असली रूप में आपको अपने देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण फिर तो अपना असली रूप दिखाया, हाथ जोड़कर बर्बरीक ने उनको शीश झुकाया, शीश काट कर श्री कृष्ण के शरण चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हे खाटू के बाबा श्याम हम करें तुम्हें प्रणाम। बर्बरीक का कटाशीश फिर ये भी बोल उठा, युद्ध देखने की है भगवन मेरी है इच्छा, श्री
कृष्ण ने ऊंच स्थान पे शीश वो बंधवाया, महाभारत का समस्त युद्ध वो शीश देख पाया। हार गए हैं कौरव आखिर पांडव जीत गए, अपने अपने बाहुबल का कर वो बखान रहे। बोले श्री कृष्ण से हम में कौन बड़ा योद्धा, बोले कृष्ण बर्बरीक से ये जाए पूछा। बर्बरीक के पास में फिर तो सब ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे खाटू वाले श्याम हम करें तुम्हें प्रणाम। लगे पूछने बर्बरीक से कौन बड़ा योद्धा, बोला कि मैं बतलाता हूँ जो मैंने देखा। अपने बाहुबल पर ही सब क्यों इतना इतराए, श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन युद्ध में चलता जाए। और द्रौपदी बनकर काली भर रही थी खप्पर, शर्म से झुक गई गर्दन सबकी उसकी बात सुनकर। सुनना चाहता कौन भला है सच्ची कहानी को, सबने शीश झुकाया है फिर शीश के दानी को। हारे का फिर उसे सहारा कृष्ण बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे खाटू वाले श्याम हम करें तुम्हें प्रणाम। के दानी आप कहाओ, कलयुग में भी मेरे नाम से ही पूजे जाओ। हारे का तुम बनो सहारा नाम कहाए श्याम, सारे कष्ट मिटेंगे उसको जो आए तेरे धाम। खाटू श्याम को तब कहते हारे का सहारा है, लाखों ही भक्तों को इसने पार उतारा है। एक बार जो आता भक्तों खाटू के दरबार, सारे ही दुख हर लेते ये खाटू की सरकार। ग्यारस के दिन तो दर पे मेले लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। खाटू के सरकार बाबा श्याम कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे खाटू वाले श्याम हम करें तुम्हें प्रणाम। ये थी बाबा श्याम के श्री चरणों में समर्पित श्री खाटू श्याम कथा। सभी भक्तों को जय श्री श्याम।